हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामासर में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर में भरे जाने वाले ऑनलाइन फॉर्म, जिनमें 5 स्पेशल वैकेंसीज का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या विशेष छूट प्रदान किया गया है, कितने वेतन हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए वन बाय वन वैकेंसीज की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली वैकेंसी की तरफ बढ़ें तो यहाँ दोस्तों हम बात करने वाले हैं पहली वैकेंसी में इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के कॉन्स्टेबल किचन सर्विस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किचन सर्विस के लिए नया रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। इसकी अलग से वीडियो हमने बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है इसका वीडियो। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ITBP कांस्टेबल किचन सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के रिलेटेड संपूर्ण जानकारी का डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डेट से। तो जो ITBP का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वह 2 सितंबर 2024 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, 2 सितंबर 2024 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होकर के 1 अक्टूबर 2024 तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसी दिन रात्रि 12 बजे तक आप फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट ITBP का शेड्यूल के अकॉर्डिंग जारी होगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बना करके नोटिफाई कर देंगे, और जैसे ही रिजल्ट अवेलेबल होता है वैसे ही हम आपको रिजल्ट के बारे में भी अवगत करा देते हैं। बात कर लेते हैं ITBP कांस्टेबल किचन सर्विस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी, तो जनरल OBC और EWS के लिए कुल 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि SC ST एक्स सर्विस मैन और आल कैटेगरी फीमेल के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क दे नहीं है। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी डिटेल्स की और एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम पहले बात कर लें तो ITBP कांस्टेबल किचन सर्विस एग्जामिनेशन 2024 से रिलेटेड एज लिमिट की बात करें तो फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि अर्थात 1/10/2024 से इसके आयु की गणना की जाएगी। जो आयु की गणना की जाएगी वह 1/10/2024 से की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, आयु में छूट की बात करें, तो ITBP कांस्टेबल किचन सर्विस भर्ती 2024 से के अकॉर्डिंग आपको आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। टोटल वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, कुल 819 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है किचन सर्विस के लिए, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास होना आवश्यक है, अर्थात कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए, साथ ही साथ NSQF लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से होना चाहिए या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल काउंसिल कॉरपोरेशन, जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हों वह NSDC द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। टोटल वैकेंसी डिटेल्स के अलावा अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल किचन सर्विस मेल के लिए 697 पद सृजित किए गए हैं, जबकि कांस्टेबल किचन सर्विस फीमेल के लिए कुल 122 पद सृजित किए गए हैं। जनरल OBC EWS SC ST के लिए कितने पद हैं, इसका भी हमने स्क्रीनशॉट में लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आज की नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में, दूसरी बड़ी वैकेंसी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जी हाँ, SCI के अंतर्गत जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, जिसमें कुकिंग के पद हैं, खाना पकाने के पद हैं, रिक्रूटमेंट 2024 उससे रिलेटेड हमने जानकारी वीडियो बना करके आप तक प्रोवाइड करवा दिया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको दूसरे नंबर पर SCI जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुकिंग रिक्रूटमेंट 2024 का वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स का डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दोस्तों, तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वह 23 अगस्त 2024 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, लेकिन अभी अगस्त में सितंबर में फॉर्म भरने के लिए समय दिया गया है। 12 सितंबर 2024 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसी दिन रात्रि 12 बजे तक, अर्थात 12 सितंबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक आप फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। एग्जाम डेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जाम आयोजित होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी जैसे ही अवेलेबल होगा एडमिट कार्ड, हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसलिए आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो जनरल OBC और EWS के लिए 400 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था
नहीं दी गई है। यस सी आई जूनियर कोर्ट अटेंडेंस नोटिफिकेशन 2024। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जूनियर कोर्ट की अटेंडेंस नोटिफिकेशन कुकिंग के पद की अगर हम आयु सीमा के गणना की बात करें तो 1 अगस्त 2024 से इसके आयु सीमा की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा दोस्तों, एस सी आई जूनियर कोर्ट अटेंडेंस रिक्रूटमेंट 2024 के टोटल वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो कुल 80 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगर हम बात कर लें, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुकिंग नोविंग के 80 पद हैं, जिसमें एस सी आई जूनियर कोर्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात कर लें तो क्लास 10th मैट्रिक एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास 10वीं उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कुकिंग या कलिनरी आर्ट में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही साथ 3 वर्ष का कुकिंग का एक्सपीरियंस भी होना आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 3 ईयर कुकिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट अटेंडेंट एग्जाम टेस्ट सेंटर डिटेल्स की बात कर लें दोस्तों, कहाँ कहाँ किन किन जिलों में सेंटर बनने वाले हैं। तो सेंटर आपका होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, माफ़ करें अहमदाबाद में होगा, गुजरात की राजधानी नहीं, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, ज़्यादातर राजधानी क्षेत्र ही हैं, भुवनेश्वर, चेन्नई, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, इन जगहों पर आपके सेंटर्स होंगे। बढ़ते हैं आज की तीसरी सबसे बड़ी वैकेंसी की तरफ, तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ, NPCIL की वैकेंसी है। राजस्थान साइड स्टिपेंडरी ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2024, इसका भी हमने वीडियो बना करके आपको चैनल पर अपलोड करके संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा दिया था, लेकिन अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो तीसरे नंबर पर आपको नोटिफिकेशन, माफ़ करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ, तो जिसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 22 अगस्त 2024 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो करके 11/9/2024, जी हाँ, 22 अगस्त से शुरू हो करके 11 सितंबर को शाम 4 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 11/9/2024 को ही रात्रि 12 बजे तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट के लिए लास्ट डेट 11/9/2024 को रात्रि 12 बजे तक रखा गया है। एग्जाम शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा और एडमिट कार्ड जैसे ही जारी होगा हम आपको अलग से वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे, इसलिए आप लोग चैनल पर लगातार बने रहें। एप्लीकेशन फीस की बात करें NPCIL स्पेशल ट्रेनी नोटिफिकेशन 2024 की, तो इसमें जनरल, OBC और EWS को 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। अगर महिला वर्ग की कैंडिडेट है तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे उसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लागू किया गया है। NPCIL स्पेडेंट्री ट्रेनी नोटिफिकेशन 2024 के एज लिमिट यानी आयु सीमा की गणना कब से की जाएगी दोस्तों, तो 11/9/2024 11 सितंबर 2024 से इसके आयु सीमा की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष निर्धारित की गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अलग से आयु में छूट प्रदान किया जाएगा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी के बारे में, तो पहले टोटल वैकेंसी डिटेल्स की जानकारी दे दें आपको, तो NPCIL स्पेशल ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2024 के टोटल वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो कुल 279 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 152 पद हैं कैटेगरी सेकंड के, जिसमें आपका ऑपरेटर के पद हैं, इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपका इंटर होना चाहिए और 50% अंक भी होने चाहिए और आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना आवश्यक है। PCM के साथ साथ आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना भी आवश्यक है। दूसरा पद है 115 पद है मेंटेनर के, ये भी कैटेगरी सेकंड के हैं ट्रेनिंग के, पहला पद आपका ऑपरेटर का था, दूसरा मेंटेनर के थे, इसमें 115 पद हैं, सेम है, सेम क्वालिफिकेशन लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्लास 10th विद मिनिमम 50% मार्क, इसमें भी साइंस सब्जेक्ट के साथ में ही होना चाहिए, जिसमें मैथ आपका एक होना चाहिए, लेकिन 2 वर्षीय ITI का सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड रजिस्टर्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका आवश्यक है होना चाहिए और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में भी होना चाहिए। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो ऑपरेटर के लिए 152 पद हैं जबकि मेंटेनर के लिए 115 पद हैं, इसमें ऑपरेटर के लिए 61 पद रिजर्व रखे गए हैं, OBC के लिए 30 पद, EWS के लिए 15, SC के लिए 26, ST के लिए 20, वहीं मेंटेनर की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अनरिजर्व रखे गए हैं 48, OBC के लिए 23, EWS के लिए 11, SC के लिए 19, ST के लिए 14, कुल 115 पदों पर यह वैकेंसी
निकाली गई है। पुरुष और महिला के लिए भी आप टोटल वैकेंसी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी सेकंड मेंटेनर ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो ट्रेड वाइज में अगर आप देखना चाहेंगे तो हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन के कुल 26 पद निर्धारित किए गए हैं तो फिटर के 52, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के 8 पद हैं, जबकि दोस्तों वेल्डर के बात करें तो 2 पद हैं, जबकि मैकेनिक टर्नर के भी 2 पद हैं, वहीं इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 25 पद निर्धारित किए गए हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छा खासा पद निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बढ़ें आज की चौथी बड़ी वैकेंसीज की तरफ, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। इसका भी हमने अलग से वीडियो बना करके चौथे नंबर पर अपलोड किया था, माफ़ करें हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था, चौथे नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराया है। फिर भी इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारी से अपडेट करवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ दोस्तों। एप्लीकेशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 21 अगस्त 2024 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और एक महीने इसकी वैकेंसी रखी गई है फॉर्म भरने के लिए, अर्थात 20 सितंबर 2024 को इसके लिए लास्ट डेट निर्धारित किया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसी दिन रात्रि 12 बजे तक अर्थात 20 सितंबर 2024 तक आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट ई चालान के भी माध्यम से किया जा सकता है, इसकी जानकारी हम आगे दे देंगे। एग्जाम डेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, जैसे ही एडमिट कार्ड जानकारी निकल करके कोई सामने आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए 750, एससी एसटी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। महिला वर्ग को आरक्षण के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट या ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। IRDAI असिस्टेंट मैनेजर नोटिफिकेशन 2024 के एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो 20 सितंबर 2024 यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से इसके आयु की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो IRDA असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट रूल्स 2024 के अकॉर्डिंग आपको आयु में छूट भी प्रदान किया जाएगा। IRDA असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 के टोटल वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो कुल 49 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल मैनेजर के ला एक्रूटर अलग अलग पदों का समावेश किया गया है। सबके क्वालिफिकेशन हमने वीडियो में बताए हैं, चौथे नंबर पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, वहां से जा करके आप संपूर्ण जानकारी उस वीडियो को देख करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेरी रह गई है तो फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लें, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वहीं पर आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनेंस के इसमें पद हैं, फाइनेंस के 5 पद हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात IT के भी 5 पद हैं, रिसर्च के भी 5 पद हैं। सबका क्वालिफिकेशन हमने सामने रख दिया है। जैसे रिसर्च की बात करें तो कुल 5 पद हैं, मास्टर डिग्री या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में, और उसमें आपका अधिक कम से कम मिनिमम 60% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हों तभी आप यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। IRDA असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन 2024 के कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लें तो असिस्टेंट मैनेजर के 21 पद हैं, माफ़ करें असिस्टेंट मैनेजर के कुल 49 पद हैं, टोटल वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 21, OBC के लिए 12 पद, EWS के लिए 4, SC के लिए 8 और ST के लिए 4 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की 5वीं बड़ी वैकेंसी के बारे में आपको बता दें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि इसकी वैकेंसी बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, RRB टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 टोटल वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, अब 14,298 पद हो गए हैं। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के 1,092 और अदर के भी, इसी तरह से आप पदों का समावेश करके देखेंगे तो वैकेंसी में काफ़ी इजाफा हुआ है, 14,298 बढ़कर वैकेंसी हो गई है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई वैकेंसी डिटेल्स के साथ। लेते हैं विदा, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।